इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि साधारण ब्याज को सूत्र की सहायता से किस तरह से निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि 12,000 रुपये का 3% वार्षिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज निकालें। देखिए प्रश्न यह कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि किसी से 12,000 रुपया लिया है और कितना ब्याज पर लिया है, तो यह लिया है 3% वार्षिक ब्याज पर। और कितने समय के लिए लिया है, तो यह लिया है 3 महीने के लिए। तब हमें यह बताना है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला यह होता है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर इन सभी मान को रख देंगे ना, तो साधारण ब्याज बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले पर इस सभी मान को रखने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न में जो दर है यह किस में है, तो दर है वर्ष में, यानी कि दर वार्षिक कह रहा है। और जो समय है यह किस में है, तो समय है महीना में। तो देखिए यह जो है यह वर्ष में है ना, तो हमें समय को भी वर्ष में बदलना होगा। यदि यह महीना में रहता ना, तो यह भी महीना में रहता, ठीक। लेकिन यह वर्ष में है, तो हमें इसे भी वर्ष में बदलना होगा। अब हम समय को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। इसलिए इसे हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 12 से इस तरह से भाग दे देंगे ना, तो यह वर्ष में बदल जाएगा, ठीक। इतना ही आपको केवल समझना है। अब देखिए क्या करना है, इस फॉर्मूले में इन सभी मान को रखना है। मूलधन क्या है, मूलधन है 12,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000। उसके बाद समय है और दर है, तो सबसे पहले हम दर को लिख लेते हैं, इसमें आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। दर क्या है, दर है 3%, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद समय क्या है, समय है देखिए 3/12, तो यह जो 3 है ना ऊपर वाला, इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं और इस 12 को हम नीचे में लिखेंगे। उसके बाद देखिए सूत्र में है 100, तो गुणा में करके हम 100 भी लिख देंगे। अब जो जो कटेगा उसे हम कटा देंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या कटेगा, यह 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो कट गया। उसके बाद यह जो 12 है, इससे यह 12 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10। अब क्या बचा है, नीचे में कुछ नहीं बचा है, जो भी बचा है ऊपर में बचा है, तो ऊपर वाले हम सभी अंकों में गुणा करा देंगे। तीतरी का हो जाएगा 9 और 9 में 10 ले गुणा कराएंगे, 9 धान हो जाएगा 90। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक। तो 12,000 रुपये का 3% वार्षिक दर से जो ब्याज होगा 3 महीने का, वह कितना होगा, तो वह होगा 90 रुपया, ठीक।